अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएस किचन। मैं आज आप लोगों के लिए मटन अफगानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लेना है और उसमें हमने बोन्स वाला मटन ले लेना है इस तरह से, और वो हमने डाल देना है। तकरीबन एक किलो मैंने मटन लिया हुआ है और इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून ये पेस्ट डाला है, जिसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून प्याज को मैंने पीस लिया था थोड़े से पानी में मिलाकर, तो ये उसका पेस्ट है। तो बस ये तीनों चीज़ों का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद थोड़ा सा हसबे ज़रूरत यानी आधा टीस्पून के बराबर हमने नमक डाल देना है, और इसके बाद हमने इसमें इतना पानी डाल देना है कि जिसमें ये मटन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 1.5 गिलास अगर आप इस तरह पतीले में बनाएं, और तब तक हमने पकाना है जब तक ये गल ना जाए। तो चलें फ्रेंड्स, हम तब तक इसको पकाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ अब हमने इसकी जो ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है। पूरी 1 गट्ठी साबुत जो हरे धनिया की होती है वो हमने ले लेनी है, और इसको मोटा इसी तरह बड़ा बड़ा मैंने काट लिया है रफली। और इसके बाद हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और 4 से 5 अदद, और यहाँ पे लहसुन हमने 8 से 10 जवे, और अदरक 2 इंच के टुकड़े के बराबर। तो बस ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने ले ली हैं। इनको हमने जो है इसमें पेस्ट बनाना है। यहाँ मलाई हमने ले ली है, ये घर की मलाई है, और तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है। अगर आप फ्रेश क्रीम लेना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप वो भी ले सकते हैं। और ये 1 पाव दही यानी कि 250 ग्राम्स दही है, जो कि इसमें हम मिलाकर इन तीनों का पेस्ट बनाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल देनी है और इनका हमने पेस्ट बना लेना है, और ये मलाई भी इसमें चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखें, अब पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, और दूसरी तरफ हमने मटन को भी बीच बीच में चेक करना है कि वो कहाँ तक पहुँचा, और उसका पानी अभी काफ़ी सारा मौजूद है और मटन भी अभी गला नहीं है, तो इसलिए इसको हमने बस थोड़ा मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि नीचे वाला मटन ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे, और गल जाए इवनली सारा का सारा। तो बस इसके ऊपर अब हमने दोबारा से जो है लिड लगा लेना है। और फ्रेंड्स अब ये देखें, तकरीबन टोटल इसको 35 मिनट हो चुके हैं गलते गलते, और अब ये फुल डन हो चुका है। इसकी यखनी भी हमने खुश कर लेनी है। तो बस अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है इसका, आगे मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस। मटन हमने चूल्हे से उतार लिया था, और जब वो ठंडा हो जाए तो इसके बाद यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाया हुआ है उस पेस्ट के अंदर एक एक करके हमने इस तरह ये पीसेस डाल देने हैं, और हमने थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कर देना है। अगर आप ज़्यादा देर रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खैर है, कम से कम भी 10-15 मिनट आप मैरिनेट कर लें, और फिर उसके बाद जो है हमने इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह सारा का सारा हमने ये ग्रीन मसाला जो है इसके ऊपर लगा देना है, ताकि सबके ऊपर कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट बाद अब यहाँ पे हमने इतना ऑयल ले लेना है जिसमें हमने बाद में उसकी ग्रेवी बनानी है। तो बस इतने ऑयल में यानी कि 1 कप ऑयल में हमने इस मटन के एक एक पीस को झाड़ झाड़ के, यानी सारा जो मसाला है वो प्लेट में रह जाना चाहिए, और खाली पीसेस जो है हमने यहाँ पर ये इस ऑयल में फ्राई करने हैं। तो बस इसी तरह सारे के सारे पीसेस हमने डाल देने हैं, और हमने इसको लो फ्लेम पे नहीं कुक करना क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है, हमें सिर्फ इसको कलर देना है। तो इसलिए हम हाई फ्लेम या फिर हाई ना सही तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको इस तरह से फ्राई करना है, ताकि ये गोल्डन हो जाए। और इसकी खूबसूरती और इसका मज़ा इसी में है कि ये गोल्डन हो जाए, तो तभी हमने इसको टर्न करना है। जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आए तो आपने टर्न नहीं करना। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं सबके सबके ऊपर कलर आ चुका है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 मिनट लगे दोनों साइड्स को। और बस अब इसके बाद हमने इनको निकाल देना है, और इसी तरह के मैंने बाकी के पीसेस भी डाल देने हैं, और उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब जो है बाकी के पीसेस को भी मैंने फ्राई कर लिया था, अब बारी है इसकी ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 8-10 काली मिर्चें, 4 लौंगें और जो है 2 छोटी इलायचियाँ हमने ले ली थी उसी तेल में जिस तेल में हमने मटन को फ्राई किया था। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑयल ज़्यादा गंदा हो जाए बिलफर्स, और उसमें ज़्यादा जो है ना पीसेस नीचे बैठ जाएँ या वो जल जाए, तो आपने ऑयल चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ ऑयल मेरा गंदा नहीं हुआ था ज़्यादा, तो फिर मैंने इसी ऑयल में इसको डाल दिया। तो मसाला ग्रीन मसाला डाल देने के बाद अब यहाँ पे हमने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डालना है, और थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून डालना है, नमक
हसबे ज़रूरत आप डाल दें। और इसमें मैं ऑप्शनल है ये कुटी हुई लाल मिर्ची, जो कि इसमें जाती तो नहीं है, पर मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल देनी है। तो बस अब ये ग्रेवी हमने रेडी कर लेनी है हल्की आँच पर। इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसमें ये मटन डाल देना है। तो बस फ्रेंड्स, अब हमने इसमें ये मटन डाल देना है। और ये देखें कितने प्यारी लुक आ रही है, ग्रीन ग्रीन इसका कलर आ रहा है। तो इसके बाद जो है हमने हल्का सा इसको दम भी दे देना है ताकि ये आपस में घुल मिल जाए। और इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि भुनाई हमने ग्रेवी की अच्छी सी कर ली थी, ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो इसलिए अब हमने इसमें मटन शामिल किया। और अब ये उसी जग में, जिस जग में मैंने पेस्ट इसका रेडी किया था उसमें मैंने थोड़ा सा यानी कि आधा कप के बराबर पानी ले लिया है, वो डाल दिया। इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ आखिर में, क्योंकि ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी मिले इसमें, वरना ये बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है मुझे। तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे लिए ग्रेवी थोड़ी सी रेडी हो जाएगी, जिसको हम खा सकते हैं रोटी लगाकर या फिर तंदूरी नान पूरी वगैरह जो आपको पसंद हो आप वो डाल लगा कर इसको खा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, अब इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं कितनी इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसको हमने स्मोक देना है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इस वक्त कोयला नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसको स्मोक नहीं दे रही हूँ। आपने इस वक्त, जिस वक्त मैं ढक्कन लगा रही हूँ, आपने इसको कोयले का दम देना है, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं लगा रही। अब यहाँ पर हमने गर्मा गर्म 2 मिनट का दम देने के बाद बस ये रेडी हो चुका है। इसको हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलें मुझे फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।